बहुत बहुत धन्यवाद करनैल सिंह जी, वो दो मिनट लिए अपने विचार रखेंगे। रणजीत सिंह जी रागी डबवाली तो राज उदो ऐसा सी, इस तो अलावा राज गया कि नहीं, बल्कि साढ़े बिच जो कामयाबी बड़ी हुआ है, मैं इशारा किया ठीक है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो कोई दृढ़ता रखता उन्होंने कुर्बानियां करनिया पैंदियां हन, उन्होंने कुटुंबां नाल जो साढ़े नाल हाँ, ये भी गल नाल है। गुरजी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत सिंह जी। राणिया तो भी काफी संगत आई है जी, इहनूं तां विचार अपेत सिंह कहना हुंदा कि सुभा थोड़ा जिहा मेरा कौड़ा। अज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मंग नूं लैके टी सी सरसा दे विच धरना देता जा रहा है। इस तों पहलां करनाल दे विच, कैथल विच अते कुरुक्षेत्र विच वी मीटिंगां करके जागरूकता पैदा की जा रही है हरियाणे की सिख संगत विच, ताकि जो कांग्रेस पार्टी ने साडे नाल वादा करके हरियाणे दे सिखां नाल तीन बार वोटां प्राप्त कीतियां, उस तों बाद चट्ठा कमेटी नियुक्त की, चट्ठा कमेटी नूं 3 लाख के करीब हल्फिया बयान दिते, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा सरकार ने सिखां दीआं हरियाणे तो वोटां लेके 2 बार कांग्रेस बनाई, MPAं दा इलैक्शन पार्लीमेंट में सत्ता में आई, पर उसके बावजूद भी इन्हां दी बेईमानी रही। ये बेईमानी करके साडे इस मंग नूं पूरा नहीं कर रहे। मैं असीं महसूस कर रहे हैं कि ये राजनीतिक लोगों ने सानूं दा ला के साडे कोल वोटां प्राप्त करते रहे, तो साडे उद्देश्य ते जो कि इन्हां हक सानूं देण दी गल कीती सी ओह इन्हां हक नहीं दिता, तो असां हुण इन्हां राजनीतिक तों किनारा कर लिया, तो असीं अपने लेवल ते हरियाणे दी सिख संगत नूं ला लै के हर पिंड तों लै के हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लाक लेवल ते सारे हरियाणे दे विच असीं संगत नूं नाल लै के संगत नूं प्रेरित करके संगत नूं विच उत्साह पैदा करके अपनी हरियाणा कमेटी की मंग नूं फिर खड़ा करांगे। नौजवानों का जथा अते नौजवानों का विंग भी, तो इसत्री विंग भी तैयार करके तो ऐसा एक माहौल बना के कि सरकार नूं मजबूर होकर तो इन्हां अकालियों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तो सेंटर सरकार नूं मजबूर होकर हरियाणे दे सिखां नूं मंग पूरी करनी पएगी। पर साडे पल्ले कुछ नहीं पाया, जे दो भरा की गल आउंदी आ तां कहिंदे असीं हरियाणे नूं देणा नहीं, सेवा आप करिए उह सानूं हक नहीं दे रहे, रवीरा छड के साडे नाल सानूं हरियाणे दा जिहड़ा गुरुद्वारा दा प्रबंध है ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਸੁਭਾ ਨੂਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਡਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕੂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਂਦ, ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਓ ਨਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂਫੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁਲਾਓ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, हरियाणा की सिख संगत जब चाहेगी हरियाणा के गुरुधामों के प्रबंध के लिए अलग गुरुद्वारा कमेटी बन जाएगी। PAU से HAU अलग बन गई, वक्फ बोर्ड पंजाब का अलग बन गया, हरियाणा का अलग बन गया, लेकिन ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी ना बनाना हरियाणा के सिखों के संवैधानिक अधिकार पर डाका डाला जा रहा है, जिसके लिए केंद्र राज्य व जो भी संस्थाएं इस किस्म से संबंधित हैं वो जिम्मेवार हैं। ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।